टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल जयेश गौर में। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रेलवे को लेकर, तो जितनी बच्चे जो रेलवे की में वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी हाल ही में रेलवे ने एक नई पोस्ट क्रिएट की है, तो एक बार देख लेते हैं भैया कौन सी पोस्ट क्रिएट की गई है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है और क्या इसके अंदर बीटेक या डिप्लोमा वाला बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, और क्या हम लोग इस न्यूज़ से ये कन्फर्म कर सकते हैं कि 2024 में हम लोग को रेलवे के अंदर नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है या नहीं। चलिए इधर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस जारी हो रखा है, 20/12/2023 की डेट है। सब्जेक्ट डाल रखा है कि भैया मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 इन लेवल 5 ऑफ 7th पे मैट्रिक्स। आप इसमें यहाँ लिखा रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, पहले ये देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में लिखा है कि भैया बीएससी होनी चाहिए, चाहे आपकी फिजिक्स में हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर की हो, आईटी में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसके अलावा इन्होंने एक बात और लिखी है कि अगर कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है या डिग्री है इंजीनियरिंग में इन द अबव बेसिक स्ट्रीम, इन स्ट्रीम में अगर डिप्लोमा है या डिग्री है, मतलब बीटेक हो आईटी में, बीटेक हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, तो बीटेक हो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, तो ये बच्चे भी एलिजिबल हैं, बट इन ये एंटाइटल्ड नहीं होंगे फॉर क्लेमिंग दी हायर पे लेवल। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है तो ये लोग हायर पे लेवल की डिमांड करें, इनको सेम पे लेवल पे रखा जाएगा जो है हमारा ग्रेड 1 पे लेवल 5 में, मतलब जो पेमेंट बीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट करके लगेगा वही पेमेंट जो बीटेक वाला बच्चा लग रहा है उसको भी सेम पेमेंट मिली जाएगी। तो ये आप लोग नोटिस देख सकते हैं और इसको लेके यूट्यूब के ऊपर तो तरह तरह के ज्ञान दिए जा रहे हैं कि हाँ नई वैकेंसी आ सकती है, मेरा क्या मानना है उसको समझ लीजिए। देखिए अभी भी मैं आप लोग को एक ही चीज बार बार कह रहा हूँ कि आरआरबी 2024 के अंदर में बंपर वैकेंसी रिलीज करेगा, आप लोगों को आरआरबी का एग्जाम देखने को मिल जाएगा, नवंबर अक्टूबर तक आप लोग को इसका एग्जाम होते हुए देखने को मिल जाएगा। इसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा, फिर नोटिफिकेशन के बाद आप लोग को 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने में, उसके बाद आपके जो सेंटर अलॉट होंगे उसमें भी 1 से 1.5 महीना या यू कैन से 2.5 महीने तक का टाइम लग जाएगा सेंटर अलॉटमेंट में, या ज्यादा लग सकता है क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी नोटिफिकेशन आने में अभी आपको 2 से 3 महीना अभी आपको नोटिफिकेशन आने में लग सकता है, तो 2, 3 महीने, 4 और 2, 7, 7 से 8 महीने आपके लगने वाले हैं, और उसी के हिसाब से जो नई अपडेट निकल के आ रही है वो नवंबर से अक्टूबर तक की अपडेट निकल के आ रही है। तो यही था आरआरबी के अंदर अभी का जो नया अपडेट आ रहा है, काफी अच्छी बात है कि आप लोग को टाइम मिल रहा है, तो आप लोग चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के पास काफी ज्यादा समय होने वाला है अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो बाकी चीजों को छोड़ के फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग की पढ़ाई स्ट्रॉन्ग रहेगी उतने ज्यादा आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में।